सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। यूपी के बलिया में अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बैरिया के बीजेपी विधायक ने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया है। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने सीएए में मुसलमानों को शामिल न करने के सवाल पर कहा कि बंगला और पाकिस्तान देश से आए सभी मुसलमान शुद्ध रूप से शैतान हैं। कहा, अगर इन्हें भारत में शरण दी जाती है तो भारत की गलियों में जम्मू कश्मीर जैसे पत्थरबाज पैदा हो जाएंगे। देखिए बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट। आप लोग मेरा भाव आप लोग समझिए। सवाल ये है कि इस देश में जिस समय भी जनसंख्या नियंत्रण की परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो उस समय जहां भी भारत में जहां भी हिंदू समाज संख्या में कमजोर है वहां भारत कमजोर है। मेरा भाव ये था। तो हिंदू समाज को और हिंदुत्व को और हिंदुस्तान को मजबूत यदि बनाए रखना है तो हिंदुत्व के झंडे को सबल बनाए रखना आवश्यक है। नहीं तो जो भी भारत का भूभाग आप देखिए, केरला में कमजोर हुआ, जम्मू कश्मीर से हजारों लोग भगा दिए गए। आज बंगाल की धरती से जो है ममता बनर्जी के क्रूर हृदय के कारण, वो पॉलिटिकल दृष्टि से क्रूर हृदय महिला है और क्रूर हृदय होने के कारण तो सैकड़ों लोग मार दिए गए, कोई पूछने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर से हजारों लोग भगा दिए गए, किसके कारण भगा दिए गए? आप दूसरे की बात करते हैं मेरे भाई। मैं देखिए पांच बच्चे मतलब उस परिवेश में कहता था कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता है तब तक हिंदू समाज को भी अपनी संख्या में कहीं से भी दुर्बलता आने नहीं देनी। आप एक बात बताइए, कोई घर में आप नया घर बनाते हैं, पत्रकार हैं तो घर में आप बनाते हैं तो एक पूजा घर में देवता बैठाते हैं, एक अतिथि घर बनाते हैं कि इसमें बढ़िया अतिथि है तो उसमें उसको रात में रुकवाएंगे। ये बताइए कि आप अपने घर में बमबाज को बैठा लेंगे, अपने घर में शैतान को बैठा लेंगे? तो किसी भी घर में एक अपने सामान्य परिवार में किसी शैतान को घुसने की इजाजत नहीं देते हैं तो भारत में घुसने की शैतान को इजाजत नहीं दिया? बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले जो भी मुस्लिम हैं वो शुद्ध रूप से शैतानी प्रवृत्ति के हैं। ऐसे शैतानी प्रवृत्ति के लोगों को भारत में जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो भारत में जो रहते हैं हमारे भाई वो भाई है, लेकिन बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों को कहीं से भी बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों को भारत में रखने का मतलब है कि कल फिर जैसे जम्मू कश्मीर में ईंटा पत्थरबाज पैदा हो गए थे और भारत के हर गलियों में पत्थरबाज पैदा हो जाएंगे और भारत के सेनाओं को गोली चलाना पड़ेगा और सीने पर गोली खाना पड़ेगा। तो क्या यही चाहते हैं? तो भाई भाजपा के जमाने में और मोदी के जमाने में अब पत्थरबाज पैदा होने वाले नहीं है। भाजपा के जमाने में अब जम्मू कश्मीर जैसे पंडित भगाए नहीं जाएंगे। भाजपा के जमाने में बांग्लादेशी शरणार्थियों के बल पर बंगला पश्चिम बंगाल से लोग भगाए नहीं। सीएए को लॉन्च नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं पश्चिम बंगाल में सीएए को लॉन्च नहीं होने दूंगी और मैं बंगाल की जनता के साथ खड़ी हूँ। क्या कहेंगे आप? वो बंगाल की जनता से एक साथ नहीं खड़ी है, वो बांग्लादेशी शैतानों के साथ खड़ी है और मैं उसकी इस चिंतन का हम लोग जो है उसका खंडन करते हैं और निंदा करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, किसी से भी कहता हूँ, यदि हिम्मत हो बहुत बांग्लादेशी और पाकिस्तानी शरणार्थियों को रखने का, मुस्लिम शरणार्थियों को रखने का किसी में शौक है तो अपने घर में जगह दे दे तो भारत में जगह देने की बात करेगा। लेकिन ऐसे लोगों को जो बम लेकर के आता हो, जो चाकू लेकर के आता हो और हिंदुस्तान की धरती को रंजित करना चाहता है उसको भारत में रहने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। और जो मेरे नेता कर रहे हैं मैं उनके भावना का साहस पूर्वक स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं और ऐसा ही होना चाहिए, तभी देश बचेगा। नहीं तो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमान आतंकवादी हैं, वो इंसान नहीं है, वो शैतान है। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमान, मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाले मुसलमान आतंकवादी हैं, उनकी प्रवृत्ति शैतानी है, उनकी प्रवृत्ति दानववादी है। ऐसे लोगों को सीएए को लागू न होने की बात कही, उस पर क्या कहेंगे आप? सीएए को लागू, देखिए सवाल यह कि जब जानते नहीं है ना, जब लॉ बुझना वाला होता है तो बहुत फफकता है। तो अब ममता बनर्जी का जो है अंतिम बाती चल रही है, अंतिम लॉ है और अगले साल चुनाव होगा लोकसभा में, कुछ आप समझ में आ गया है, इसके बाद वो समझ में आ जाएगा कि समाप्त हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। जैसे मायावती जी अपना बैठ गई है घर पर, उस तरह से वो भी समाप्त हो जाएगी।